अस्सलाम वालेकुम। ज़ाफ़रान या केसर, जिसे अंग्रेज़ी में सेफ्रॉन कहते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक पाया जाता है। ज़ाफ़रान के पौधे वादी कश्मीर में लगाए जाते हैं। इस पर नहायत खूबसूरत फूल उगते हैं, जिनको तोड़कर ज़ाफ़रान हासिल किया जाता है। ज्यादातर लोग इसको कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी काश्त ऊंचे ऊंचे टीलों पर की जाती है ताकि वहाँ पानी का ठहराव ना हो। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल हर्बल अद्वियात में बकसरत किया जाता है और इससे तैयार शुदा अद्वियात नहायत कीमती होती हैं। ज़ाफ़रान ना सिर्फ कश्मीर बल्कि मिस्र, ईरान, स्पेन, शाम और इटली में भी काश्त किया जाता है। ज़ाफ़रान की तैयारी या काश्त उन इलाकों में की जाती है जहाँ ना ज़्यादा सर्दी पड़े और ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन इस पौधे का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। ज़ाफ़रान को अगर खानों में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लजीज खाने तैयार होते हैं, जबकि पुराने ज़मानों में ज़ाफ़रान को कपड़े रंगने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाफ़रान गुर्दे, मसाने और जिगर को कुव्वत देता है। बुखार की हालत में दिन में 2 बार पानी में मिलाकर खिलाया जाए तो बुखार उतर जाता है, गुर्दों के वर्म में आराम पहुँचाता है, जबकि खारिश होने की सूरत में भी फायदेमंद है। बोझल तबीयत में तकवीत देता है। इसके इस्तेमाल से बलगम का इखराज बआसानी हो जाता है और अगर इसे आंखों में इस्तेमाल किया जाए तो सुर्खी और दर्द से निजात मिल जाती है। अगर हेज रुक रुक कर आते हों तो इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, जबकि पेशाब के रुकावट में भी बहुत फायदेमंद है। ज़ाफ़रान शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई सूदमंद है। ज़ाफ़रान भूख की कमी को दूर करता है और हाजमा दुरुस्त रखता है। तशन्नुज की कैफियत में इंतहाई मुफीद है, जबकि डिप्रेशन को दूर करता है। दिमागी मर्ज अल्जाइमर में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से रोगों में खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। ज़ाफ़रान की चाय पीने से खाना बहुत अच्छे तरीके से हजम हो जाता है। जिसमें सर्दी की वजह से होने वाले दर्द और पसली के दर्द में इंतहाई मुफीद है। ज़ाफ़रान तबियत को फर्द बख्शता है, गुर्दा, मसाना और जिगर को कुव्वत और ताकत पहुँचाता है। ज़ाफ़रान की सबसे अहम खूबी अफसरदगी को दूर करना है। तो आप आज ही से ज़ाफ़रान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और लातादाद जिस्मानी और दिमागी तकालीफ से छुटकारा हासिल कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।